स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे सेफ एट होम. माई सेल्फ मीरा वाजपेयी फ्रॉम अमरनाथ विद्या आश्रम स्कूल मथुरा. स्टूडेंट्स, टूडे वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 4 एंड द टॉपिक इज एडिशन. यस स्टूडेंट्स, हेयर आर द कंटेंट्स विच वी विल डिस्कस इन द क्लास एंड द कंटेंट्स आर फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सेकेंड एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग, थर्ड एडिशन विद रीग्रुपिंग, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिफ्थ लास्ट एडिंग हॉरिजॉन्टली. ये स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द डिस्कस ऑफ फर्स्ट कंटेंट एंड द फर्स्ट कंटेंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. बच्चे, अब हम देखिए एडिशन आप फर्स्ट से लेके क्लास फर्स्ट से सीखते हुए आ रहे हैं. एडिशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, आपने टू डिजिट वाले एडिशन करे, थ्री डिजिट वाले एडिशन करे. अब हम इस चैप्टर में, अब आप फोर्थ क्लास में आ गए, हम फोर डिजिट एंड मोर देन फोर डिजिट वाले एडिशन को हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो कुछ रूल्स हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है. आप इनको अच्छे से रीड करेंगे तो आगे आपको चैप्टर करने में इजी रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट द रूल नंबर 1. देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ एन एडिशन. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एन एडिशन? टू पार्ट्स. देखिए, हमारे एडिशन के टू पार्ट्स होते हैं. दे आर द एडिट्स एंड द सम. वो दो पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है एडिट्स एंड सेकंड पार्ट है सम. फॉर एग्जांपल, 13 प्लस 17 इज इक्वल टू 30. 13 प्लस 17 जो है, ये बोथ आर एडिट एंड 30 इज सम. यस स्टूडेंट्स, तो आपने एग्जांपल देखा, 13 और 17 जो है, जो हम दो वैल्यूज को प्लस करते हैं वो कहलाती है एडिट, और जो इनको प्लस करके आंसर आता है वो क्या कहलाता है? आपका सम. तो बच्चों, यहां पर हमने क्या सीखा? एडेंड और सम. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडेंड एंड सम? यस स्टूडेंट, तो व्हाट इज द, यहां पर हम एडेंड और सम की डेफिनेशन क्लियर कर लेंगे. व्हाट इज एडेंड एंड व्हाट इज सम? द नंबर्स दैट आर एडेड आर कॉल्ड एडेंड एंड द आंसर ऑफ एडिशन इज कॉल्ड द सम. तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया कि अगर आपको कभी बाई चांस क्वेश्चन भी आ जाए, कि क्विज आ जाए ऐसा, कि व्हाट इज, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए एडेंड क्या है, सम क्या है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. नाउ सेकंड रूल. सेकंड रूल इज द सम ऑफ वन नंबर एंड द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज द सेम नंबर. कोई भी नंबर अगर हम जीरो में प्लस करेंगे तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑलवेज सेम एनी नंबर, जो भी आपका नंबर होगा. हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 6 प्लस 0. 6 में मैंने 0 प्लस किया तो क्या आंसर आया? 6. अगर मैं 0 प्लस 6 कर दूंगी तब भी आंसर क्या आएगा? 6. तो ये हमारे को प्रॉपर्टी बताती है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू में, ये तो मैंने वन डिजिट लिया, आप कोई भी डिजिट चाहे 1000 के प्लेस में ले लीजिए, चाहे 100 के, चाहे लैक्स के, कितनी भी बड़ी वैल्यू में अगर आप 0 प्लस करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगी, वही नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा. ये स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव क्लियर फर्स्ट कंटेंट. हमने फर्स्ट कंटेंट को क्लियर कर लिया. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सेकेंड कंटेंट एंड द सेकेंड कंटेंट इज एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. बच्चों, रीग्रुपिंग जो होता है, रीग्रुपिंग से आपको क्लियर होगा, री प्लस ग्रुपिंग, हम दोबारा ग्रुपिंग करते हैं लेकिन विदाउट. अभी हम इसमें दो कंटेंट समझेंगे, एक होगा रीग्रुपिंग के साथ और एक है विदाउट रीग्रुपिंग. विदाउट का मतलब विदाउट कैरी. मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ. आपने अभी तक आप थर्ड में भी करते हुए आए हैं, एडिशन जो होता है एक हम कैरी वाले भी करते हैं और एक विदाउट कैरी वाले भी करते हैं. तो अगर आपके सिंपल लैंग्वेज में जो ये सेकंड कंटेंट है, ये हमारा है विदाउट कैरी वाले सम्स. तो हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सेकंड थर्ड कंटेंट पे जाएंगे. नाउ बच्चों, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको सिंपल ऐड क्वेश्चन में आते हैं, मैंने आपको पहले भी क्लियर करा है, आप थर्ड में भी क्लियर करते आए हैं, कि हमेशा हम लोग पहले प्लेसेस जरूर मेंशन करेंगे. प्लेसेस आपको क्लियर ही है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लाख, करोड़. तो बच्चों, आपको ये सब क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो अब हम इसके अंदर अपने ये जरूर लिखेंगे. अब देखिए, वंस प्लेस पे 6 प्लस 3. नाउ फर्स्ट वी ऐड 6 प्लस 3. तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज हियर 9. तो वंस प्लेस पे क्या वैल्यू आ गई? 9. टेंस 0 प्लस 9. अभी मैंने आपको सेकेंड प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम जीरो में कोई भी वैल्यू प्लस करेंगे क्या जीरो आएगा? नो. What is the value? The value answer is 9. And 100 place is 4 plus 2. 4 plus 2 is equal to 6. 3 plus 6 is equal to 9 and the 3.
So the answer is students 39,699. तो बच्चों हमें हमेशा लास्ट से राइट टू लेफ्ट चलना है, कभी भी हम ऐसे प्लस नहीं करते हैं, हमेशा लास्ट से प्लस करते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं. नाउ सेकेंड एग्जाम सेकेंड सम इज 3,000, 1,277, 5,321, 301. See, अब हम इनको प्लस करेंगे. नाउ वी एड वन डिजिट, 7 + 1 + 1. तो वॉट इज द आंसर? आंसर इज 9. 7 + 2. नाउ नेक्स्ट वन इज टेंस, वी एड टेंस डिजिट, 7 + 2 + 0. आंसर इज 9. नाउ वी एड 100, 2 + 3 + 3. 2 + 3 = 5, and 5 + 3 = 8. 1 + 5 = 6. एंड लास्ट वन इज 3. देखिए यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या मेंशन करेंगे? 3. तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 36,899. यस स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ टू कंटेंट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंटेंट 3. बच्चे 3 कंटेंट जो है हमारा वो है एडिशन विथ रीग्रुपिंग. अभी हमने पढ़ा था एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग, जो मैंने आपको क्लियर किया था विदाउट कैरी फॉरवर्ड. अब हम जो पढ़ेंगे वो है विद रीग्रुपिंग, एडिशन विद यानी कैरी वाले सम्स, कैरी फॉरवर्ड वाले सम्स. तो बच्चों यहां पर मैंने क्वेश्चन की हेडिंग चेंज कर दी है, अरेंज इन कॉलम्स एंड एड. इस वाले क्वेश्चन से आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जब ये क्वेश्चन खाली, आपको यही क्वेश्चन यहां पर आएगा 32,058 + 9,456. तो बच्चों जब आपको ये क्वेश्चन आता है अरेंज इन कॉलम्स एंड एड, आपको कॉलम्स में अरेंज करोगे नहीं आते हैं सम्स, आपको उसको खुद अरेंज करना होता है, देन उसको आपको सम निकालना होता है. तो हमने मैंने यहाँ पर आपको पहले सॉल्व करके दिखाया हुआ है. मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले इसको पूरा देखेंगे कि आपका प्लेस कहां तक जा रहा है. देखिए हम इसको ऐसे चेक करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000. तो मेरे जो डिजिट है वो कहां तक गए हैं? 10,000 प्लेस तक. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? प्लेसेस के नेम लिखूंगी. तो मैंने वंस लिखा 10, 100, 1000, 10,000. देन यू स्टार्ट द राइट द डिजिट. और डिजिट मैंने आपको क्लियर करा, डिजिट हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखना है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाते हैं, हमेशा यहां से यहां आते हैं. तो सबसे पहले मैंने वंस का डिजिट लिखा, वंस का डिजिट इज 8, टेंस डिजिट इज 5, 100 डिजिट इज 0, 1000 डिजिट इज 2 एंड 10,000 डिजिट इज 3. तो ये हमारा क्या बन गया? 32,058. नाउ उसके बाद हम सेकंड डिजिट उतारेंगे. वंस प्लेस इज 6, टेंस 5, 100 4, 1000 9. और बच्चों ये आपको वैसे क्लियर है, आपको जितनी पहले भी सम करें, जो हमारा सिंबल होता है एडिशन का वो प्लस होता है. कई बच्चे क्या करते हैं कि इस प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, प्लस तो सॉल्व तो कर देते हैं लेकिन साइन नहीं लगाते. सिंबल ये जरूरी है आपका, आपको सिंबल लगाना ही है. तो अब हम इसको ऐड करते हैं, अब आप समझेंगे कैरी फॉरवर्ड वाले सम कैसे होते हैं. नाउ फर्स्ट वी ऐड वंस डिजिट, 8 + 6 = 14. 8 + 6 में देखिए 14 है, तो यहां पर जो मेरा 14 आया तो रीग्रुप क्या हो गया? 14 है मेरा. 14 में 14 जो है मेरा वंस है. 14 को अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करती हूं तो जो वंस होगा वो वंस हो जाएगा हमारा टेंस में चला जाएगा, और जो 4 होगा वो क्या रहेगा? वंस में रहेगा. सो स्टूडेंट 14 जो हमारा आया इसमें 4 वी राइट 4 इन वंस प्लेस एंड 1 कैरीड फॉरवर्ड इन टेंस प्लेस. तो हमारा 1 कहां चला गया? कैरी फॉरवर्ड हो, कैरीड फॉरवर्ड हो गया टेंस प्लेस में. सो वी एड टेंस प्लेस. तो 1 में जो हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ है 1, उसमें 1 में 5 प्लस करेंगे. 1 + 5 = 6, 6 + 5 = 11, अगेन 11 इन टेंस प्लेस. तो 1 हम लिखेंगे टेंस प्लेस में एंड 1 इज ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड इन 100 प्लेस. मैंने यहां पे 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 1 में 0 प्लस किया 1, 1 + 4 = 5. तो हमारा 100 का वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई. फिर अगेन 1000 प्लेस पे जाएंगे, 2 + 9, 2 + 9 = 11. तो 11 में फर्स्ट 1 इज कैरीड फॉरवर्ड इन 10,000 एंड 1 इन वी राइट इन 1 इन 1000 प्लेस. तो हमारा 1 में हमने 3 प्लस किया तो आ गया 4. तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज हियर 41,514. नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल. वी राइट द क्वेश्चन, अगेन आपको क्लियर हो गया है. हम सबसे पहले प्लेस लिखेंगे, 1, 10, 100, 1000. यहां पर 1000 तक ही है तो मैंने 1000 तक की प्लेस मेंशन करें. फर्स्ट डिजिट इज 7,654 + 3,280. 4 + 0 = 4.
5 plus 8 is equal to 13. 13 mein 1 is carried forward in 100 place and 3 we write in 3 tens place. फिर 1 में 100 प्लेस में 1 में 6 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9. अब हम 1000 प्लेस पे जाएंगे, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10. तो जो आंसर है वो 1000 से शुरू नहीं हो रहा है. देखिए आप इसको अगर प्लेस वाइज काउंट करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10000. तो वी इसको हम कैसे बोलेंगे, वी टेल 10934. यस स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द कंटेंट, थ्री कंटेंट्स. Now we will discuss about fourth content. And the fourth content is fill in the blanks. बच्चों इसी chapter से related मैंने आपको कुछ fill in the blank दिए हैं. यहाँ पर for example मैंने लिए हैं. अगर आप ये भी clear हो जाएंगे आपको तो आप hopefully आप आगे भी solve कर सकते हैं. तो first fill in the blank is here 4568 plus 0. मैंने आपको जो properties समझाई थी उसमें भी concept clear किया था कि किसी भी value में मैं अगर 0 plus करूंगी तो वही मेरी value same आती है. तो जब मैं 0 plus कर रही हूँ तो मेरा 0 answer आएगा या वही वैल्यू आएगी. यस yes. मैंने आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था हमारा आंसर क्या आएगा, 4568. जीरो नहीं आएगा. वेरी गुड. नाउ सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक, प्लस 3456 इज इक्वल टू 3456. देखिए बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू भी सेम है और ये स्टूडेंट्स सेकंड वन इज डैश प्लस 3456 इज इक्वल टू 3456. बच्चे देखिए यहाँ पर भी वही वैल्यू है, यहाँ पर भी वही वैल्यू है. और आपको ये बहुत अच्छे से पता है एडिशन में ये रूल होता है कि हम एक ही ऐसी सिंगल वैल्यू है जिसको हम प्लस करते हैं तो हमारी वही वैल्यू आती है. वो वैल्यू क्या होती है, जीरो. मैं अगर जीरो प्लस करूंगी तो मेरी यही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. नाउ थर्ड वन इज 4104 प्लस फिल इन द ब्लैंक इज इक्वल टू 4105. ये तो आपको क्लियर ही है 4104. 4 में हम क्या प्लस करें कि हमारा 4105 आ जाए. तो मैंने क्या प्लस करेंगे हम 1. लास्ट में देखिए बच्चों एक इस तरीके से भी फिल इन द ब्लैंक आते हैं. यहाँ पर मैंने दो डिजिट लिए इज इक्वल टू के बाद भी दो लिए हैं. एक मेरा फिल इन द ब्लैंक था 6489 प्लस 3456 इज इक्वल टू 3456 प्लस डैश. अब आप यहाँ पर क्लियर करेंगे. देखिए ये आप कॉन्सेप्ट आप इसको छुपा दीजिए. यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज दे रखी है, एक 6489, 3456. अब इन दोनों में से मैंने एक वैल्यू तो दे रखी है, दूसरी नहीं दे रखी, तो दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है. तो वो दूसरी वैल्यू कौन सी है, ये वाली. तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे. यस स्टूडेंट, एंड फिफ्थ कंटेंट इज एडिंग हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली होता है बेटा इस सीरीज में लिखना, वर्टिकली होता है ऐसे स्ट्रेट में और हॉरिजॉन्टली हम इस कॉलम में लिखते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन लिया है मैंने 48 प्लस 21. देखिए 48 अगर हमारे को इसको आपको कॉलम्स में नहीं लिखना है, हॉरिजॉन्टली ही सॉल्व करना है. तो मैं सबसे पहले वंस प्लेस को प्लस करूंगी. मैंने यहाँ पर करके दिखाया है 8 वंस प्लेस क्या है मेरा 8 और 1 है. तो मैं पहले 8 और 1 को प्लस करूंगी 9 आ गया. फिर मैं टेंथ प्लेस को प्लस 1 प्लस टेंथ प्लेस को प्लस करूंगी तो हमारा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. तो व्हाट इज द आंसर, 69. ऐसे हम हॉरिजॉन्टली को प्लस करेंगे. यस स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस 5 कंटेंट्स. बच्चों मैंने जो आपको 5 कंटेंट आज एडिशन के समझाए मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ इज द टाइम ऑफ होम असाइनमेंट. मैंने होम असाइनमेंट में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन राइट इन कॉलम्स एंड ऐड, एंड सेकंड वन इज ऐड हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द सम. बच्चों मैंने आपको यहाँ पे 3 सम्स इसमें दिए हैं, 2 इसमें दिए हैं. इसके साथ साथ जितना मैंने आज आपको वीडियो में पढ़ाया, जितने सम्स का दिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस टॉपिक and I hope you all practice this question in today class. बच्चों आज आपको सारे questions बहुत अच्छे से practice करनी है, बहुत अच्छे से समझना है. और आपको फिर भी कोई query होती है तो आप video देख के comment box में mention कर सकते हैं. मैं उसको जरूर देख के solve करने की कोशिश करूंगी. and stay safe and happy. thank you.